दो बाजू, कपड़े की दो तह एक बाजू। देखो ये जब मैंने ऐसे जो मेरा वो था कपड़ा, ये ऐसे आया कपड़ा, ठीक है। तो अगर मैं इधर से बाजू निकालूंगी तो मुझे पट्टी तो फिर भी निकालनी है, और ये मेरी पट्टी है छोटी, तो मैं बाजू इधर से ही ना निकालूंगी। बाजू की लंबाई बताओ, मतलब ये 5 लेना है, मुड़ने के बाद वो 3.5 तक आ जाएगा, ठीक है। तो यह 5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा, कपड़े की है 4 तह, 2 और 2 4। कभी भी तह लगाओगे इस तरह से तो एक बंद भाग आता है और एक दो खुले भाग आएंगे, ठीक है। बंद भाग हमारा इधर से पूरा है, इधर से मैंने लिया 2 इंच, और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से लिया क्योंकि 3.5 इंच की बाजू है तो 2.5 इंच। ठीक है, चेस्ट है 32, तो 32 का इस तरह से आप नाप के 6.5 पे आपकी फिटिंग आनी चाहिए, लेकिन हम ना उसके बाद वैसे करके भी देख लेंगे। चल तो बिल्कुल एकदम सीधा, इससे क्या होगा जब हमने ये कटिंग करी तो ये पट्टी हमारी इतनी लंबी और आगे और कपड़ा सीधा बच गया। जब मैं इसको काट इधर काटती ये बेकार, इसमें जोड़ा था तो इस तरह से आपका ठीक है। ये यहाँ पर आप कट लगाओगे आपका मुड़ जाएगा। पूरे 10 लेनी ही नहीं है, 8 इंच पे आपकी 40 इंच चेस्ट की फिटिंग आ जाएगी, इसमें कट का निशान नहीं लगा। उसमें बाजू फिट नहीं बैठती है, जो पहले वाले में नहीं करी थी उसमें तो ऐसी कट निकल गया था, कल जॉइंट करा था तो फिर वैसे करके निकालो दिखाओ, और सदा इसमें कट का निशान नहीं लगा। बाजू छोटी काटी थी शायद, है ना, ठीक है। साथ के साथ ये सभी कट ऐसे ही लगाओ, ये आपकी वो कराई थी पट्टी, बंद भाग का कपड़ा कहाँ है, बंद भाग वाला एक गले का कपड़ा कहाँ है, पीछे देखो है लाओ, इसका उधर पट्टी आ जाएगा ना, हाँ वो तुम्हें काट लूंगा यहाँ पर, इसको इस तरह से ही जो बंद है इसमें से ऐसे आपकी उधर पट्टी, इंची टेप है क्या ये इसका, बाजू काटने के लिए ऐसे लगाएं 40 चेस्ट है ना, 40 चेस्ट दिया वो तो है, कल कम रह गया तो 10 आ रहा है, थोड़ा बहुत रह जा रहा है साइड से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रुक लो मैं वैसे करा देती हूं। ऐसे किया बड़ी बनानी है छोटी, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे रखो, ये ऐसे बच जाएगा, क्योंकि सूटों में जितना चेस्ट का 4 वही रखा जाएगा, लेकिन ब्लाउजों में थोड़ा कम
चल जाता है। ये आपकी यहाँ से होगी लेंथ यानी कि लंबाई, छह तैयार, ज्यादा रखना है तो ज्यादा रखना, छह तैयार, दो इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे कर लो या इधर की तरफ, ये इधर मोड़ने का हो गया, वो काय की पट्टी थोड़ा ना कटी है, ठीक है। तो छह इंच आपका ये आ गया, दो इंच इधर आया, और इस तरह से छह इंच किया तो साढ़े तीन इंच पे कट होगा, ठीक है। कपड़े की दो तह लगाई, बंद भाग इधर से, ये खुला भाग है, साढ़े तीन इंच इधर से लिया, दो इंच इधर से लिया। सबसे पहले आप इसको कट कर लो, बस ये ध्यान रखना बाजू बड़ी होते ही कट थोड़ा लंबे पाएगा। ये मैं इधर से काट सकती थी, पीछे का कट गया, लाओ अपना दो कर। निशान तो लगा दिया आपने ये सब, ठीक है। जब आपका ये वाला ये जो लाइन है इसी पे ही होना चाहिए ना, कि इसके ऊपर कैसे आ गया, इस लाइन को खींचने का फायदा यही है। अगर आपने 10 इंच पर पेड़ डाली है तो आपकी लाइन यहाँ आनी चाहिए, कितने पे डाली है 11 पे, तो ये आनी चाहिए। दूसरे नंबर कलर की चौक दो अगर हो तो, रोजी की जगह कोई और कलर है ब्लू की जगह। अच्छी देखो लाइन आपकी ये है, यहाँ आपका ऊपर नहीं आ रही, नहीं है दूसरी लाइन आपकी ये आ गई, फिर आपकी ये आ गई, ठीक है। ये लाइन है तो इससे आनी चाहिए, ये वाली जो लाइन भी आनी चाहिए, ये जो है हाँ, फिर ये से ऊपर नहीं जाएगी, ये स्लीव तो 10 इंच पे रखी गई है, 10 पे 11 पे, ये यहीं रुकनी है। इसके बाद आधा इंच ऊपर ये है और इससे ही आधा इंच ऊपर ये है, गैप दो दो इंच का, ढाई इंच यहाँ से आगे, ठीक है। एक्स्ट्रा और ले लो,